इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। तो মমতা ব্যানার্জী ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये देखिए तस्वीर राजभवन की, जहां वो इस वक्त रजिस्टर में साइन कर रही हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं वो, हालांकि वो नंदीग्राम से अपना चुनाव हार गई, लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी और कह सकते हैं कि वो इस वक्त देश की सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं। भारी जीत हासिल की, 2092 में से 2013 सीटें मिली हैं टीएमसी को और मजबूत वापसी की है মমতা ব্যানার্জী ने एक बार फिर से, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वो सबसे युवा सांसद भी चुनी गई थी। उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, जिसने नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन से अपनी पार्टी को खड़ा किया और आज यहाँ तक पहुँची है मुख्यमंत्री মমতা ব্যানার্জী की। वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की। महिला कांग्रेस की महासचिव रही 1976 में, 1984 में लोकसभा चुनाव जीता और वो युवा सांसद थी सबसे कांग्रेस से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।